थोड़ा थोड़ा फेमस कॉमेडियन है भाई, लोग का चैनल है। क्या नाम ड्रेस का? ये तो लालपड़िया साड़ी कहता है। अच्छा लालपड़िया, आसाम पुलिस। ये है बाबा आसाम। तो हेलो जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम और गुड मॉर्निंग आप सभी जने को। और इस वक्त हो गए हैं मॉर्निंग के, सुबह के 9 बज गए हैं और धूप देख रहे हैं खतरनाक। और इधर का मौसम तो भाई नेक्स्ट लेवल वाला मौसम रहता है। और अभी हम घर में रुके थे, दादा के घर में, उनका फैमिली है और हम जाने के लिए तैयार हो गए। इधर पे देख रहे हो एकदम साइकिल वाइकिल पे, यादव जी भी एकदम गमछा वमछा लगा के निकल गए। इधर मिष्टी चाय पी रही है, मिष्टी आई नहीं थी, मिष्टी कल ही आई है। और दादा उधर पे चाय वाय पी रहे हैं। और बाकी हम मिलाते हैं नीतेश भाई को, इधर पे है अपना नीतेश भाई। इनका यहाँ पे आसाम के फेमस कॉमेडियन है, फेमस कॉमेडियन है भाई, लोग का चैनल है, बहुत अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, एक बार देखना। भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाला कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छा है। और बहुत भाई का ब्लॉग चैनल भी है। भाई आपका ब्लॉग चैनल का नाम? ब्लॉग चैनल का नाम आदिवासी ढोंगा आदिवासी ब्लॉग। अपना भाई है, अपना आदिवासी भाई है, भाई को सपोर्ट करना गाइस। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के देख रहे हो, सपोर्ट करो, मुझे अकेला नहीं भाई को। आप जहाँ के भी देख रहे हो भाई को सपोर्ट करो, अपने आदिवासी भाई है और अच्छा कर रहा है भाई, इसके लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल सैल्यूट है। और इनका जो टीम है ना भाई, देख लेना भाई को, बहुत मस्त बनाते हैं, क्या बोले, खतरनाक। आप देखोगे तभी जज कर पाओगे कैसा है, सही है ना, बिना देखे जज नहीं कर पाओगे। ये छोटा सा क्लिप डाल देंगे इसका, देख लेना आप उसमें कैसा बंदे लोग कॉमेडियन करते हैं, बड़ा खतरनाक। बाकी इधर पे ये छोटे भैया हैं जिनसे मिले नहीं थे, कल ही आए हैं। और ये पापा जी यहाँ, जिनके यहाँ बाबू जी हैं, इनके घर में हम रुके थे। भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं लोगों का। और इधर मिष्टी, इन भैया के बेटी है मिष्टी, नाम कितना प्यारी है मिष्टी। शर्मा रही है मिष्टी। और उधर मम्मी जी है, अभी चाय वाय पी रहे हैं। और भैया जी, हाँ, इधर पे दीदी लोग भी हैं, इधर पे भाभी जी है। और इनका कृष्णा बाबू तो हमसे हमसे घूम ही रहा है। तो बाकी आप सभी को दिल से धन्यवाद, हमें इतना प्यार और यहाँ पे 2 दिन खाना खिलाया घर के जैसा, तो घर का कमी महसूस आप होने नहीं दे रहे हो। कैसे टाइम बीत गया मालूम पता ही नहीं चला। तो स्पेशली भैया को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें रुकवाया, लेने गए और यहाँ पे रुकवाया। ये है मतलब अपन मिले थे ना वहाँ पे दिलराज दादा, उनके फैमिली मेम्बर हैं इन लोग। तो हम लोग माजवाट में दिलराज दादा थे, उनके दिलराज पनिका दादा, उनके फैमिली मेंबर में हम लोग रुके थे 2 दिन तक। बाकी इधर पे नितेश भाई को भी ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ आपको बुलाते हैं अपने छत्तीसगढ़, वेलकम टू छत्तीसगढ़। ठीक है, आप सभी को भी वेलकम टू छत्तीसगढ़, आओ। अच्छा लगा आप लोग भी यहाँ पे रुके, धन्य। जैसे कि मतलब इतना दूर से मतलब साइकिल में आप लोग रैली करते हुए आए ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है ज्यादातर, मतलब हम लोग अगर साइकिल एक दिन चलाने से हम लोग इतना मतलब भागल फील महसूस होता है, लेकिन आप लोग इतने दूर से आके साइकिल में, हम लोग तो यहाँ पे मतलब चौंक चौंक गए मतलब। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आसाम में वेलकम वेलकम है, धन्यवाद, वेलकम रहेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल, और भी आइए, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट निकाल के नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे और रुकेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी 1-2 दिन रुके थे, नेक्स्ट टाइम ज्यादा समय रुकेंगे। तो बाकी आप लोग बने रहिए, हम लोग निकलते हैं। आज का जो राइड होने वाला है वो है बिसना चार्ली, यहाँ से 95 किलोमीटर है। तो बाकी गाइस हम लोग निकल गए हैं और ये बगान वाला एरिया है, यहाँ पे सामने फैक्ट्री है, देख रहे हो बगान। बाकी ये जो सिटी है ये है ढेकला जूली, ढेकिया जूली बोलते हैं वो सिटी है, थोड़ा बड़ा सा टाउन है यार। हम लोग वहाँ थोड़ा गांव एरिया में घूमते थे, बगान वाला जो बगान का गांव है ना वहाँ। बाकी गई यहाँ पे एक जगह रुका हूँ मैं, इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ना हमारे बम्बू होते हैं ना, बम्बू बांस के ऐसे बनाए हैं, ये देख रहे हो इतना मस्त सुंदर सुंदर। और भाई साहब एक से पूरा घर है वही सब बनाए हैं, बताओ, झाड़ू वाड़ू सब ये पूरा बम्बू के बनाते हैं। और ये नेचुरल नेचुरल डेकोरेशन इसको बोलेंगे बाबा, फ्रेम रेम सब है, बताओ इतना सुंदर मस्त। आफ्टरनून आप सभी को, 12:10 हो गए हैं अभी और हम अभी गांव वाले रोड में आ गए हैं, सिटी वाले रोड को छोड़ के, मतलब जो मेन हाईवे था ना उसको छोड़ के गांव वाले में आए हैं। थोड़ा गांव वाला नज़ारा फिर इधर से लेके जाना है करके,
अभी मेन हाईवे, ओ ओ ओ बदक बदक, मेन हाईवे में चल चल के ना कान पक गया था गाड़ी का, ऊन हार हाँ ही ही हूँ, यही तो है मेन हाईवे में चलोगे तो। तो बाकी जी हम पहुंच गए तेजपुर, और ये है तेजपुर, तेजपुर का चौक है, हम जाएंगे इधर लेफ्ट में बिस्ला चार्ली करके जगह है उधर, और सीधा जाएगा तेजपुर सिटी, लेकिन हमें जाना है लेफ्ट में इधर से, ये इधर से जाएंगे, ये भी रेलवे क्रॉसिंग था क्या, तो पहले इधर से जाएंगे इधर ऐसा, और हम लोग आ गए एक होटल में खाना खाने के लिए, यहाँ पे इधर पे होटल है, और ये आज का खाना है हम लोग का, और मैं बहुत दिनों के बाद फिर होटल में खा रहा हूँ, वरना फिर तो घर में ही खाना मिल रहा था बढ़िया सा, और यहाँ बढ़िया ये नींबू दिए हैं, सब्जी है, और ये परवल, और ये है बैंगन, और ये आलू है छोटा छोटा वाला आलू, आज सादा खाना खा रहे हैं, वरना चिकन मछली ये सब खा रहे थे उधर पर, आज शाम को फिर खाएँगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पर। बाकी भी निकल गए खाना खा के, और देख रहे हैं उधर पे बगल में ही रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक चलता था ट्रेन, लेकिन अभी नहीं चलता है क्या, तो बंद हो गया ट्रेन। बाकी गई हम लोग आ गए फिर से हाईवे में, और ये जाएगा विश्वनाथ चार्ली, और यहाँ से आप 35 किलोमीटर दूर है, और हम गांव वाले एरिया से आ रहे थे, लेकिन अब आ गए फिर से हाईवे में, मेन हाईवे में। हाँ हाँ, इधर का धूप उतना अभी तेज नहीं है जितना मेरे को साउथ एरिया का धूप लगता है, और पेड़ तो देख रहे हो इधर का ही पेड़ भाई खतरनाक, अरे बाबा, अरे बाबा उड़ी बाबा हो गए रे, देखो भला पेड़ को क्या नाम है पेड़ का पता नहीं, बहुत बड़ा बड़ा, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग को पता होगा तो। ओ बाकी जी अभी हम एक नदी को पहुंच गए, बाप रे भाई बस को देख रहे हैं, हवा है रे भाई, हवा जैसा चला रहे थे, ये है नदी एक, और ये नदी के नज़ारे भाई बड़ा खतरनाक है, देख रहे हैं ये देख भाई साहब, ये नदी भी अपन घूम रहे हैं। नहीं नहीं, तो बाकी जी अभी हमें जहाँ जाना था वो लोकेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और ये गांव का नाम तो पता नहीं क्या गांव का नाम है, तो बैठो इधर से तो बाकी जी गुड इवनिंग आप सभी जने को, और जहाँ हमें आने था वहाँ पे आ गए हैं जिस गांव में, क्योंकि मैं बोला था ना एक दादा के गांव में आने, एक दादा हमें इनवाइट किए उनके गांव में, उन गांव के लोग इतने लोग आए ना भाई, वो देख रहे हो जिस तरीके से हमारे गांव में मान सम्मान करते हैं ना, हमारे जो यहाँ आदिवासी लोग है अब वही कल्चर यहाँ भी है, और सभी लोग यहाँ पर आए हमें वेलकम करने के लिए, यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो वेलकम करते हैं वो किए हैं, गमछा क्या गामूछा बोलते हैं ना, गामूछा उससे किए हैं, और ये दादा है जिनके पहचान से हम आए हैं। आपका गांव का नाम क्या है? बुक्कू भांग। बुक्कू भांग जी, हम लोग माजवाट में रुके हैं, नेताम दादा है उनके रेफरेंस के, और दादा भी ना अपने छत्तीसगढ़ के, इनके पूर्वज हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं, सरगुजा के,
सरगुजा साइड के, हमारे इधर के धमतरी से 300 किलोमीटर दूर है सरगुजा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से, और अपने ही जिले से थोड़े से दूर है। बाकी यहाँ पे इतने लोग आए हैं भाई हमें मान सम्मान और क्या स्वागत करने के लिए। देखो यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है ड्रेस देखने से, बहुत मस्त सुंदर लगता है। क्या नाम ड्रेस का? ये तो लालपड़िया साड़ी कहता है। अच्छा लालपड़िया साड़ी, अच्छा बहुत सुंदर लगता है ये ड्रेस। और बहुत सारे लोग हमें आए हैं, और सर जी भी है, सर जी भी आए हमें मान सम्मान दिए, जो यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं और बाकी प्रधान शिक्षक है, बाकी भैया लोग भी है। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद हमें इतना मान सम्मान देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे जो बात बोले हैं वो सब चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा अपने ज़िंदगी में उतारिए, एक एक पेड़ ज़रूर लगाए, ठीक है ना? ठीक है, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। बाकी जी गुड इवनिंग आप सभी जने को। और अभी हम भैया के घर में आ गए और आ गए हैं, अंधेरा है इधर पे, ज़्यादा लाइट का है नहीं, थोड़ा छोटा सा लाइट है यहाँ पे, चार्जिंग वार्जिंग लगाएं अपने मोबाइल वोबाइल को, सबका मोबाइल बैग वैग साइकिल है वो बाहर में रखें। अभी रात हो गए, इधर पे जल्दी शाम हो जाता है ना, 8 बजे हो गए लेकिन बहुत अब 5 ही बज गया, अंधेरा हो गया था इधर पे पूरा, तो इधर जल्दी रात हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए। सही है, जल्दी रात हो जाता है। बाकी यहाँ भैया लोग का घर है, दादा लोग का घर है, वो कल सुबह दिखाएंगे। अभी तो इस वाले ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लीजिए जय जोहार, जय सत्य, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, गुड नाइट।